हेलो। हेलो। यस। अच्छा, वन क्यू ऑफ ऑल डिजीजेस। हाँ जी। अच्छा, ये मतलब मैंने यूट्यूब में आपका मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, वन क्योर फॉर ऑल डिजीज के नाम से। अच्छा, हाँ जी। ये मेरे बेटे को मतलब बचपन से एग्जिमा है, तो मैं उसके इलाज के लिए मैंने आपको फोन किया है। क्या उम्र है अभी? वो 18 साल का है। अभी कितना पानी पीता है वो? कितना पानी? वो पानी मेरा बेटा जो है वो पीता है, नॉर्मल पीता है, वो ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं पीता है, ठीक अभी घर पर नहीं है? ठीक पीता। हाँ, घर पर नहीं है? नहीं अभी स्कूल गया हुआ है। अच्छा, देखिए एक्जिमा होने का जो कारण होता है ना, वो टोटल फ्लूइड इंटेक ज्यादा होता है। एग्जिमा का कारण है फ्लूड इंटेक ज्यादा होने से हो जाता है, हाँ जी। मैं ज्यादा पानी पीने से। अच्छा, हाँ जी। और ज्यादा का डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन कि कितना सन एक्सपोजर है, कितना पसीना आता है, कितना खेलते हैं, कितना एक्टिविटी लेवल क्या है, और हाँ खाने पीने का कैसा है, कि खाना कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। कम अच्छा। खाना कम करने से कम पानी पीने पर भी एक्यूमुलेट होता है। अगर एक्टिविटी लेवल भी कम हो, खाना भी कम हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तो या तो आप उनका प्रेजेंस में या उनके मदर का प्रेजेंस में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि वो डिटेल दे पाए, तो फिर उस हिसाब से बता देंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलत है। ठीक है। मैं वो स्कूल गया हुआ है, वो आ जाएगा, 2 बजे तक आ जाएगा, तो मैं फिर 2 बजे की बात फिर आपसे बात करा दूंगा उसका, ठीक ठीक है। है। तो एक्जिमा कितने इसमें साल से ये है? बचपन से ही है, इसके समझ लीजिए। ओके। कभी बचपन में बेड वेटिंग की भी प्रॉब्लम थी? बेड वेटिंग प्रॉब्लम नहीं थी उसको, नहीं अच्छा, कभी नहीं रहा? उसको, नहीं उसको एग्जिमा के साथ में उसको आई एलर्जी भी उसको रहती है, बीच बीच में क्या एलर्जी? आई एलर्जी, आंखों में एलर्जी भी रहती है उसके। अच्छा। और जुकाम वगैरह? जुकाम पहले उसके कफ बनता था काफी, अभी कम हो गया है, लेकिन उसके नाक जाम रहता है, उसका नाक से कफ उसका शायद निकलता है, वो ही बता पाएगा एग्जैक्टली, लेकिन पहले कफ बहुत बनता था, अभी कम हो गया। स्टडीज का कैसा है? स्टडीज में मतलब ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा वो स्टडीज में वो नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाला नहीं है, अभी कितने बॉर्डर लाइन पे। क्लासेस चल रहे हैं? अभी क्लास 12 में वो, बस अभी क्लास 12 में गया है वो, थर्ड ईयर अच्छा, उसके, क्लास 12 क्या का। सब्जेक्ट है? अच्छा, इसका है वो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज, ओके, कॉमर्स विद मैथ। अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स, हाँ, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ है। ठीक हाँ, है सर, बात करिएगा, ठीक करते हैं। मैं आपको 2 दिन बाद में फोन लगा के आपसे बात कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें आप बता रहे थे पानी कम पीने से होता है, मतलब ज्यादा पानी पीने से मतलब वो बेटर होगा क्या? नहीं, पानी कम करने से अच्छा ठीक अच्छा होगा, परंतु कम कई करने से। बार ही हाँ कम पानी की वजह से भी हो सकता है। चाय पीते हैं क्या? अच्छा, चाय? नहीं, चाय नहीं पीता है वो, कॉफी पीता है, ब्रूस्ट कितनी? कॉफी, सुबह शाम 2 टाइम कोल्ड कॉफी पीता है। और उसके अलावा दूध वगैरह? दूध? नहीं, दूध उसके अलावा दूध नहीं लेता है वो, जो दूध कॉफी में है, जो जितना दूध पड़ता है उतना ही लेता है वो, कोल्ड और कॉफी। खाने के साथ में पानी लेते हैं? खाने के साथ में, शायद खाने के साथ में थोड़ा बहुत लेता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेता है खाने के साथ में। अच्छा। पानी में से बहुत ज्यादा नहीं पीता है वो, मतलब और उसकी आदत खेलने नहीं का है कैसा उसको। है? खेलने का एक्चुअली क्या है कि वो कभी कभी नीचे जाके क्रिकेट खेलता है, लेकिन अभी बहुत दिन से खेला नहीं है, घर के नीचे खेलता है, और ज्यादा एक्टिव एक्चुअली खेलने में ज्यादा नहीं है वो, खाली क्रिकेट का शौक है वो भी, मतलब कभी नीचे अगर लोग इकट्ठे हो गए तो नीचे खेल लिया अपने घर के नीचे। फिजिकली और बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है। वेट वगैरह कितना है? वेट इसका होगा, उसका वेट मेरे ख्याल से होगा 60 60 kg होगा, मतलब पतला ही है, ज्यादा ओवर वेट नहीं है वो, उसका हाइट होगा ओके 5'9", 5'9" ओके या 10". ओके ओके, ठीक है ठीक है, फिर बताइएगा, ठीक ठीक करते है। हैं फिर। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट क्या, मतलब ये ऐसे फूड से ही है क्या, मतलब ऐसे ही कंट्रोल करके फोन पर ही क्या? हो जाएगा। 10 दिन लगते हैं, 10 15 दिन के बीच में ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक तो उसके साथ है, में आईज का भी ठीक हो जाएगा और नोज का भी ठीक हो जाएगा, जो जुकाम रहता वेरी है। गुड ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। आप क्या मतलब वो डॉक्टर है, आयुर्वेद डॉक्टर है क्या, मतलब नहीं आशुपति जी, उस टाइप के नहीं कुछ जी, है ऐसे ही? कोई भी डॉक्टरी नहीं है। आप अगर आप यूट्यूब के वीडियोस और भी देखेंगे, तो जो लोग 10 साल से डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, वो ठीक हो जाते हैं फोन पर ही। नहीं, वो बात तो सही है, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, वो इतने दिन तक उसको एलर्जी है, 18 साल तक,
तो ये प्रमाण ना है कि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते है ना उसको, इसीलिए तो मैं ऑल्टरनेटिव खोज रहा हूँ ना मैं तो। परंतु अगर आप डॉक्टर से बात जो मैं इलाज बताऊंगा ना डॉक्टर से बात करेंगे तो वो फिर बहुत सुनाएगा कि वो आप गलती कर रहे हैं वगैरह करके। मैं डॉक्टर का भरोसा ही नहीं करता हूँ, मैं तो बचपन से डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, थक गया हूँ, एलोपैथी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, होम्योपैथी को दिखा चुका हूँ, नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक कोई पैथी नहीं छोड़ा मैंने, परंतु उसके बावजूद भी वो लोग ये एक्सेप्ट करते नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ ठीक बोल रहा हूँ। मतलब आप मेरे पास अभी तो रिकॉर्ड है ना, मेरे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं होता हो, और तो और हफ्ते दस दिन में फर्क पड़ता है, और ये तो छोटी मोटी बीमारी है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी जहाँ पर जो बच भी नहीं सकते जिंदा भी नहीं रह सकते वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और फोन पर ही और कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप फिर इसका मेरा बेटे का इलाज आप मेरे को बता दो, फिर उसके बाद मैं अपना भी बताऊंगा, मुझे भी थोड़ा कुछ सालों से शुगर है, डायबिटीज है। तो आप डिले क्यों कर रहे हो, आपका शुरू कर दो। हाँ क्या बोले, आप डिले क्यों कर रहे हैं, पहले आप शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप मेरे को भी पहले आप बता दीजिए मेरे डायबिटीज का। आप मेडिसिन ले रहे हैं क्या? नहीं मैं डायबिटीज का कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। कितना आता है शुगर, कितना शुगर आता है आपको? मेरा देखिए वो जो ग्लूकोमीटर जो घर में है ना मेरा, तो अभी मैंने लास्ट जो चेक किया था एक दो महीना पहले, उसमें मेरा आया था 300 प्लस फास्टिंग। 300 प्लस फास्टिंग? हाँ। अच्छा फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर पास गया था, उसने कुछ दवाई दी, फिर मैंने थोड़ा फूड भी थोड़ा चेंज किया मैंने, फूड हैबिट्स में चेंज किया मैंने। सुबह उठकर मैं नाश्ते से पहले बहुत सारा फल खाता था, उसके बाद में फिर नाश्ता खाता था भरपेट, और चाय वाय भी चीनी डाल के लेता था, सब मैंने बंद कर दिया। फिर मैं करेले का जूस सुबह सुबह लेता हूँ, फ्रूट्स बंद कर दिया मैंने, और थोड़ा सा रोटी चावल भी थोड़ा कम कर दिया मैंने, और उससे मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। तो अभी आपको ये सब चेंजेस किए रहे हुए 2 महीने हो गए? हाँ एक दो महीना हो गया समझ लीजिए, मतलब मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लिया, पहले ये सब 1 महीने से ऊपर हो गया समझ लीजिए। आप पानी कितना पीते हैं? पानी तो मैं काफी पीता हूँ। कितना अंदाजा? सब समझ लीजिए सारा दिन में काफी ऐसे हिसाब करो तो 15 गिलास हो जाते हैं। 10-20 गिलास पानी पी लेता हूँ मैं। 10-20 गिलास होगा। हाँ सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? हाँ सुबह उठ के खाली पेट पानी पीता हूँ। कितना? समझ लीजिए आधा एक ग्लास ले लेता हूँ बोतल से, एक ग्लास पानी ले लेता। खाने के साथ लेते हैं आप? खाने के बाद थोड़ा पानी पीता हूँ मैं, साथ में नहीं लेते? नहीं साथ में नहीं लेता हूँ, खाना खत्म होने के बाद में आधा ग्लास पानी पी लिया, उसके बाद में थोड़ा सा रुक कर उसके बाद में फिर मैं पानी पीता हूँ। कितनी देर रुक कर? समझ लीजिए कि 15-20 मिनट। और उसके बाद कितना लेते हैं 20 मिनट बाद? उसके बाद फिर आधा ग्लास पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा ग्लास, क्योंकि उसके बाद थोड़ा प्यास लगती है मेरे को, तो आधा एक दो ग्लास पानी पी लेता हूँ। उसके बाद तो आधा आधा करके लेते हैं या पूरा पूरा ग्लास भी लेते हैं? आधा आधा करके लेता हूँ। मतलब पूरे दिन में एक बार भी नहीं लेते पूरा ग्लास? नहीं ऐसा नहीं है। खाना खाने के जैसे कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद 15 मिनट से आधा घंटे बाद मैंने फिर एक ग्लास दो ग्लास पानी पी लिया, ठीक है। और उसके बाद में दिन भर में थोड़ा बहुत पानी पीता रहता हूँ मैं, टेबल में अपना ग्लास रखता हूँ पानी का, ठंडे पानी का, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब प्यास अनुसार ले लेता हूँ। और चाय कितना पीते हैं? चाय में लिखकर चाय लेता हूँ, समझ लीजिए दिन भर में 4-5 कप हो जाता है मेरा। और दूध? दूध नहीं लेता हूँ मैं। एल्कोहल? एल्कोहल में अल्कोहल की मेरी कोई आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे कि जिन वेन कभी एक दो बार ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी अजीब सा लगता है फिर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं तो महीने में एक दो बार ले, महीने में एक दो बार है ज्यादा है इससे? नहीं महीने में जैसे कि महीने में आपका 3-4 बार ले लिया जैसे ज्यादा। ओके मतलब ऐसा रैंडम है, जैसे कि अगर ले लिया आज ले लिया तो कल फिर मन कर जाता लेने का, दो दिन ले लिया, थर्ड डे फिर लगता है कि नहीं ज्यादा हो गया मैं छोड़ देता हूँ मैं, फिर हफ्ते भर नहीं लिया, फिर समझ लीजिए हफ्ते भर के बाद में मैंने कुछ फिर एक दो ग्लास ले लिया मैंने, फिर उसको नहीं लिया हफ्ते भर, मतलब ऐसा ऑन एंड ऑफ है, रैंडम है, ऐसा कोई मेरा डिपेंडेंस नहीं है उसके ऊपर। दही कितना लेते हैं?
ड्रिंक्स ड्रिंक्स क्या मैंने जैसे कि दो ग्लास तक ले लें दही दही कर्ड और दही। अच्छा दही मैं जब कभी कभार दही लेता हूँ, मतलब समझ लो कि डेली नहीं लेता हूँ, हफ्ते में तीन दो दिन तीन दिन, हाँ दो तीन दिन हो जाता है दही या कड़ी। लस्सी लस्सी नहीं, लस्सी का लस्सी नहीं ले रहा हूँ मैं। और नींबू पानी वगैरह? हाँ नींबू पानी, अभी गर्मी है तो कभी कभी नींबू पानी ले लेता हूँ, अभी पिछले दो तीन दिन से नींबू पानी में ले रहा हूँ, चीनी वानी नींबू पानी देकर चीनी देकर। आपका ग्लूकोमीटर आपके पास है घर में ही है, आप खुद चेक करते हैं ना? खुद चेक करते हैं। आपको करना क्या है कि खाना खाते हुए एक गिलास पानी पीना है साथ में, खाने के साथ में। अच्छा हाँ जी, खाने के साथ साथ बीच बीच में लेते रहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं लेना। 7 दिन के अंदर आपको प्यास लगना भी बंद हो जाएगा, आपका शुगर भी गिर जाएगा। अच्छा। और आप जो ले रहे हैं करेले का जूस वगैरह, उससे साल डेढ़ साल के अंदर आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। करेले का जूस ब्लड प्रेशर हो जाता है? हाँ साल डेढ़ साल में हो जाता है। आप करेले के जूस में नमक भी डालते हैं? नहीं एकदम प्लेन देता हूँ। कितने करेले होते हैं उसमें? करेले तो देखिए छोटे हैं तो 5-6 4-5 होते हैं, बड़े हैं तो 3-4 होते हैं, समझ लीजिए आधा ग्लास में लेता हूँ। तो कड़वा तो बहुत होता होगा? नहीं इतना भी नहीं रखता, मेरे को जूसर से निकाल लेता हूँ ना, तो उसके साथ में पूरा छिलके में कड़वाट होती है ना, उसके अंदर का भी जो पल्प में जूसर भी निकल जाता है, तो मैं पी लेता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके साथ आप करेले के जूस के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ करेले का जूस होता है? खाली करेले का जूस होता है सुबह, मतलब जैसे कि सुबह उठकर एक कप चाय पी लेता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, उसके बाद नाश्ते के पहले मैं लेता हूँ करेले का जूस। मॉर्निंग वॉक कितनी देर करते हैं? मॉर्निंग वॉक देखिए पार्क में जाकर थोड़ा सा 3 चक्कर लगा लिया मैंने, 10-15 मिनट हो जाता है मेरा। अच्छा छोटा पार्क है? हाँ हाँ ठीक है। आप हमारा इसमें डायबिटीज के लिए दो चीजें हैं, खाने के साथ एक गिलास पानी पीना है, उसके अलावा नहीं पीना, जब भी प्यास लगे सिर्फ एक छोटा घूट लेना है, तो उससे 5-6 दिन में शुगर ठीक हो जाती है। आप अभी आज चेक कर लीजिएगा, या कल से करना चाहते हैं तो कल से चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए शुरू में कितना है आ रहा है, और फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन में चेक कर लीजिए। अच्छा तो ये तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है कि सुबह 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, और सुबह उठकर खाली पेट पानी नहीं पीना। वैसे तो 3 ही गिलास पीना है तो उसमें तो आ ही जाता है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, खाने और उसके अलावा कोई भी नींबू पानी लस्सी दही वगैरह कुछ भी नहीं लेना, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेना। सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना है? सुबह खाली पेट भी नहीं पीना है, सुबह उठकर आप 5 मिनट चलें, 5 मिनट दोबारा से लेट जाएं, ऐसे करके 1 घंटा तक करिए, रात को सोने से पहले भी 1 घंटा करिए ऐसे। अच्छा। और उसके 5 मिनट चलकर फिर लेट जाऊं? हाँ जी, और फिर 5 मिनट चलिए फिर लेट जाइए, फिर 5 मिनट चलिए फिर लेट जाइए, ऐसे करके 1 घंटा तक करना है, 1 घंटा तक करना है। हाँ 6-6 बार हो जाएगा, आधा आधा घंटा, आधा घंटा चलना हो जाएगा, आधा घंटा। अच्छा 5 मिनट चलना 5 मिनट लेटना। हाँ जी हाँ जी, तो इससे आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी अगर नहीं आती तो। दूसरा क्या होगा इससे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तीसरा आपको करेले वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी ब्लड शुगर कम करने के लिए लेते हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, 7 दिन बाद आप ठीक हो जाएंगे, फिर आप बताइए। अच्छा अच्छा तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इससे अगर आप करते हैं ठीक से करते हैं तो 6 महीने तक शुगर एकदम से परमानेंटली खत्म हो जाएगी, उसका जो मर्जी खाओ जो मर्जी करो। और इससे रिलेटेड शुगर से रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशन है वो सब खत्म हो जाएंगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। ओके तो करिए, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? अच्छा अच्छा, तो आप करिए, देखते हैं कितना हद तक ठीक करते हैं। वैसे हफ्ते 10 दिन में शुगर तो आपका कम होगा, तो एक बार शुरू में चेक कर लीजिए और एक बार लास्ट में चेक कर लीजिए। अच्छा अच्छा, तो इससे अगर ब्लड प्रेशर, यूजली अगर आप देखेंगे नेट पर तो जो जिनको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर होता है उनमें से कम 50% लोगों को दूसरा चीज भी हो जाता है, और शायद उसका कारण यही रहता है कि लोग करेले का जूस या इस तरीके की जितनी भी चीजें लेते हैं, करेले के जूस में थोड़ा वो ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है। सोडियम? अच्छा, तो वो सोडियम ज्यादा रेगुलर डेली के डेली लेने से भी धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है साल डेढ़ साल तक। तो अब इसका नेचुरल तरीका जो है वो तो यही है जो मैं बता रहा हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देर लग जाएगी, तो आप करके देखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पहले चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ, और अगर आप कहते हैं कि पहले करके देखेंगे तो पहले कर लीजिए फिर देखते हैं।
अच्छा ठीक है, मैं इसको करके देखता हूँ पहले। ठीक है जी, ठीक है ना, और मैं फिर 2 बजे के बाद लड़का आ जाएगा, मैं आपसे बात करता हूँ एक जगह के लिए। ठीक है, आपका शुभ नाम? राजेंद्र भल्ला। राजेंद्र भल्ला, हाँ जी, और अगर ठीक हो जाए तो शेयर भी कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को। हाँ 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 हाँ, वो यूट्यूब जिसमें आपका नंबर देखा उसी में ना? हाँ जी, हाँ जी, जिसके जहाँ पर मैंने आपका जिस चैनल में देखा आपका नंबर, मैं हाँ जरूर रिजल्ट बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा, जरूर जरूर रिजल्ट आएगा जरूर करूंगा मैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं फिर आपको आपसे कॉल बैक करके आपसे बेटे से बात कराता हूँ मैं। ठीक है जी, ओके जी, नमस्कार।